So hello everyone, today we are going to discuss about the post-transcriptional changes. So post-transcriptional changes किस तरीके से होते हैं? Transcription हो गया तो आपके पास RNA बन गया, mRNA बन गया, अब हमें उसको mature करना है, like उसके अंदर कुछ changes होते हैं transcription के बाद. तो वो क्या क्या changes रहते हैं? तो hnRNA जो है, hnRNA के पास दो part होते हैं, exons and introns. exon जो होता है वो coding part होता है, and ये जो intron है वो क्या होते हैं, non-coding part होते हैं. तो हमें इन introns को क्या करना होता है, remove करना होता है. तो स्टेप वन क्या होता है, दैट इज़ द कैपिंग. कैपिंग में क्या होता है, एडिशन ऑफ कैप ज़ीरो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, फॉर्मेशन ऑफ कैप वन इन मेनी केसेस, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि वहाँ पे कैप टू ऐड होती है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैप है. तो थ्री टाइप की कैप्स होती हैं. कैप ज़ीरो विच इज़ एडिशन ऑफ द 7-methylguanosine 7-MG जिसको हम बोलते हैं, एट द 5' end ऑफ द एग्जॉन ऑफ द hnRNA. तो 5' end पर अगर हम 7-MG की कैप ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पे ये जो कैप ज़ीरो होती है वो कनेक्टेड रहती है विद द शुगर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द 5' ऑफ द hnRNA बाय 5' बाय द ट्राईफॉस्फेट ब्रिज. अब कैप वन की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है 5' end का ऑफ द इनिशियल एग्जॉन ऑफ द hnRNA इस कार्बन नंबर 2 ऑफ द शुगर गेट्स मिथाइलेटेड. पोजीशन नंबर 6 ऑफ द बेस मे आल्सो गेट मिथाइलेटेड. तो आपकी वो क्या होती है, कैप 1 होती है. फिर कैप 2 जो होती है वो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जो होता है 5' end का, दैट इज़ द कार्बन नंबर 2 ऑफ द शुगर गेट्स मिथाइलेटेड. सो बेसिकली जो मेन है दैट इज़ कैप 0, जहाँ पे 7-MG की 7-methylguanosine की कैप होती है. तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखिए, जो hnRNA है उसका जो 5' end है, उसका जो एग्जॉन रीजन है वहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, कैप को ऐड कर दिया है. नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ द पॉलीएडेनाइलेशन. पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ द पॉलीएडेनाइलेट टेल. तो हम यहाँ पर टेलिंग करेंगे, 3' end पर हम टेल एडिशन करते हैं. सो यहाँ पर जो एडिशन होती है टेल की, दैट इज़ एट द 3' end ऑफ द टर्मिनल एग्जॉन ऑफ द hnRNA आफ्टर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल AAUAA. जब हमें सिग्नलिंग सीक्वेंस मिलती है AAUAA, वहाँ पर उस पोजीशन पे क्या होता है, हमारी टेलिंग स्टार्ट होती है. तो पॉली ए टेल इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें 180-200 adenylate ऑफ द एडेनिन बेस होते हैं. तो एडेनिन का क्या होता है, यहाँ पर रेपिटेशन होता है. सो एंजाइम्स जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज़ पॉली ए सिंथेज और पॉली ए पॉलीमरेज. 5' end ऑफ द पॉली ए टेल अटैचेस टू द 3' ऑफ द टर्मिनल एग्जॉन ऑफ द hnRNA आफ्टर द सिग्नलिंग सीक्वेंसेस. सो इस तरीके से हमारी कैप जो थी वो हमने लगा दी थी. तो अब 3' end पर क्या होता है, यहाँ पर टेलिंग होती है. एडेनिन की पॉली ए टेल की यहाँ पर एडिशन हो गया है आफ्टर दिस सिग्नलिंग सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड. तो ये टर्मिनेशन सिग्नलिंग सीक्वेंस के बाद पॉली ए टेल हो जाती है, ऐड हो जाती है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन. उसके बाद होता है स्प्लाइसिंग ऑफ द hnRNA. स्प्लाइसिंग का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, hnRNA के अंदर जो भी नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट यानी कि जो भी आपका इंट्रॉन्स थे, इंट्रॉन्स क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, उसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है. क्योंकि hnRNA का मॉलिक्यूलर वेट पहले क्या था, बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसमें नॉन कोडिंग पार्ट था. लेकिन जब हम नॉन कोडिंग पार्ट यानी कि इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो अगर हम डिफरेंस की बात करें यूकैरियोटिक mRNA और प्रोकैरियोटिक mRNA में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो यूकैरियोटिक mRNA इज़ मोनोसिस्ट्रॉनिक. इट इज़ मोनोसिस्ट्रॉनिक, वेरास जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक mRNA होता है वो प्रोसिस्ट्रॉनिक होता है. प्रोसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि एक ही mRNA है वो वेरियस जीन्स को क्या करता है, वेरियस प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है, ABC एंड सो ऑन. वेरियस प्रोटीन्स है लेकिन उनका mRNA क्या है, एक ही है. सो यूकैरियोटिक mRNA में इनडायरेक्ट सिंथेसिस होती है, यानी कि DNA से पहले hnRNA बनता है, hnRNA के बाद mRNA बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये डायरेक्ट सिंथेसिस होती है. यूकैरियोट्स के केसेस में कैपिंग और टेलिंग की जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में देर इज़ नो कैपिंग और टेलिंग. सो देर इज़
क्योंकि यहाँ पर यूकेरियोट्स के केस में टेल प्रेजेंट होती है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, तो उससे हाई स्टेबिलिटी होती है, देयरफॉर उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर पुअर बाइंडिंग एबिलिटी होती है विद राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सो यूकेरियोट्स के केस में जो टेल होती है दैट हैज़ नो रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड अगर आप बात करते हो प्रोकैरियोट्स में तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.